प्लीज सब्सक्राइब माय किचन बाय रुजली और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बिल्कुल फ्री है। अस्सलाम वालेकुम, करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। वेल आज हमारे किचन में क्या बन रहा है? आज हमारे किचन में बन रहा है चीज बॉल्स, पोटैटो चीज बॉल्स कह सकते हैं आप इसको, सिंपल चीज बॉल्स भी कह सकते हैं। इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है या मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये बहुत अच्छा रहता है शाम की चाय के लिए, आपके कोई मेहमान आ जाए आपके घर में तो ये 5 से 10 मिनट में इंस्टेंटली आपके घर में बन जाता है। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। 3 से 4 मैंने आलू लिए थे जिनको मैंने बॉईल कर लिया नमक हल्का सा डाल के, और मैंने इनको क्रश करके रख दिया। ये देखें, इसे मैंने एक स्लाइस लिया है उसको भी मैंने गीला करके इसके बीच में डाल दिया है सो डैट ये सॉफ्ट बने, ठीक है। मिल्क लिया मैंने 1/2 कप, मोज़रेला चीज़ लिया मैंने श्रेड की हुई, 1 अदद अंडा चाहिए होगा आपको, ओरिगैनो लिया मैंने हसबे ज़रूरत जितना आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग पसंद है, थाइम लिया मैंने, ब्लैक पेपर, सॉल्ट एंड ब्रेड क्रम्स, ठीक है। अब इनको बनाना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ जी। अब इसको बनाना कैसे है मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने मैश पोटैटो जो आपको भी दिखाए थे मैंने एक बाउल में डाल ली है, और इनको आप इस तरह करके और क्रश कर लें ताकि इजीली इसकी बॉल्स बन जाए। ये देखें, नाउ इस पे आपने ऐड करना है मोज़रेला श्रेड हुआ हुआ, वन एग, ब्लैक पेपर एज पर योर टेस्ट, मैं ये नहीं कहूंगी 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जितनी चाहिए आप उसको ऐड करो। सॉल्ट भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही चलेगी। लिटल बिट थाइम, थाइम और ओरिगैनो से क्या होता है आपका टेस्ट इन्हांस हो जाता है चीज का, क्योंकि ये दोनों चीजें इटालियन सीजनिंग में आती हैं। अब आपने इन सब चीजों को करना है मिक्स। ये देखो, अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा ताकि इसकी बॉल्स इजीली बन जाएं। सबके लिए या तो आप ग्लव्स पहन लें या आपके हाथ प्रॉपर वॉश होने चाहिए, क्योंकि हाइजीन तरीके से ही चीज बने तो अच्छी लगती है। अब इसकी बॉल्स कैसे बनानी है वो मैं आपको बताती हूँ जी गाइस। अब ये देखिए, मैंने मिक्स करके रख दिया है पोटैटोस को ब्लैक पेपर नमक थाइम एंड ओरिगैनो के साथ, और 1 एग भी हमने डाला था। अब हमने इसकी बनानी है बॉल्स, ठीक है। और ये चीज़ें मैंने किस चीज़ों के लिए रखी हुई है मैं अभी आपको बता देती हूँ। ये मैंने रखी हुई है मैरिनेट करने के लिए, क्योंकि बॉल्स बनाने के बाद हम इस मिल्क में लेंगे 1 एग। मिल्क मैंने लिया 1/2 कप, मैंने पहले भी बताया आपको, और ये 1 एग इसमें डाल देंगे, इसको बीट करके हम साइड पर रख देंगे, ठीक है। और बॉल्स कैसे बनानी है ये मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने दूध और अंडा मैं मिक्स करके रख दिया है, ये ब्रेड क्रम्स, ऑयल लिया है मैंने थोड़ा सा जो मैं अपने हाथों पे लगाऊंगी सिर्फ बॉल्स बनाने के लिए, ठीक है। तो आपने सबसे पहले लेना है ऑयल, आपने हल्का सा हाथों पे ग्रीस करना है, छोटी छोटी बॉल्स बनाए हैं आप इसकी, ज़्यादा बड़ी नहीं। ये देखें, ये देखें मैंने सारी बॉल्स बना ली हैं। तो कोट किस तरह करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये आपने एक बॉल पकड़नी है, अंडा और दूध में मिक्स करनी है पहले, एंड देन उठा के आपने इस पर क्रम्स लगाने हैं। ओके, अगर आपने डबल कोटिंग करनी है आप कर लो, लेकिन मैं तो सिंगल कोटिंग करूंगी, ये आप पे डिपेंड करता है। ये देखें, आपने एक बॉल रख दी, अगेन सेम प्रोसीजर, पहले आपने एग एंड मिल्क लगाना है एंड देन ये क्रम्स जी गाइस। ये देखें, ये मेरी सारी बॉल्स बन गई थी, ये देखें क्रम्स लगा के मैंने रखे हुए। ऑयल मैंने चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, तो अब आहिस्ता आहिस्ता इन बॉल्स को डालें अंदर। हाँ,
ये देखें फ्राई होते हुए इनको, कितने मज़े की बॉल्स लग रही हैं ये। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मैं भी दिखाती हूँ आपको ये कैसी लगेंगी। ये देखें देखिए, हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है आपने, तेज आंच पे नहीं करना। ये देखें जनाब, चीज बॉल्स रेडी हैं, मैंने इनको रख दिया है। केचप के साथ आप इसको इंजॉय करें, और गार्लिक केचप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, गार्लिक मायो, सिंपल मायो, जैसे आपका टेस्ट है, जैसे आपको रिक्वायरमेंट है इसको खाने की, आप इनको इंजॉय करें। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये कैसी थी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।